बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं इंडस्ट्रीज। आज जो हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल लोकेशन। इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे डिस्कस करें जो हमने यहाँ लिखा है फैक्टर्स फॉर इंडस्ट्रियल लोकेशन, एक बात फिर हमें रिकॉल करने की ज़रूरत है, और वो बात यह कि ये जहन में रख लें कि कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे पहला पर्पस क्या होता है। इन कॉमर्स और इन कमर्शियल ज्योग्राफी किसी भी इंडस्ट्री को लगाने का जो बुनियादी मकसद है वो है टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट, टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। अब इंडस्ट्री को लगाने के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट का जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना है, लेकिन वो तमाम फैक्टर्स जिनको सामने रख कर ये डिज़ाइन किया जाता था कि फैक्ट्री को कहाँ लगाया जाए, कि फैक्ट्री को लगाने के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बआसानी पूरे हो सकें, इन्हें हम कहते हैं लीस्ट कॉस्ट लोकेशन फैक्टर्स। यानी फैक्ट्री को उस जगह लगाया जाए कि जहाँ पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। ये जो लीस्ट कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हर दौर में एक जैसा नहीं रहा। ये जो फैक्टर्स आपको मेरे पास यहाँ लिखे हुए नज़र आ रहे हैं हम इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम एक बात ध्यान में रख लें कि विद द स्पैन ऑफ टाइम मुख्तलिफ अदवार में जो सिलसिला रहा वो बड़ा मुख्तलिफ है। जब इंडस्ट्रीज का आगाज हुआ 18th सेंचुरी में, जब लोगों ने इस बात को महसूस किया कि मशीनों की मदद से चीज़ों को बनाया जाए, तो उस वक्त बुनियादी तौर पर जो सहूलत लोगों के लिए थी वो ये थी कि ऐसी जगह पर इंडस्ट्री लगाएं जहां पर इंडस्ट्री को चलाने के लिए पावर या एनर्जी सोर्सेज बआसानी दस्तियाब हैं। अच्छा, एक बात और इससे पहले मैं आपको सामने कर लूँ, वो तमाम फैक्टर्स जो यहाँ मैंने लिखे फैक्टर्स फॉर इंडस्ट्रियल लोकेशन, वो तमाम फैक्टर्स जो मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि इंडस्ट्री को कहाँ पर लगाना चाहिए, मजमूई तौर पर इन फैक्टर्स को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल एंड नेचुरल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स। पहले हम इस बात को डिस्कस कर लें कि इन तमाम का आपस में क्या लिंक है और क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, फिर हम इस बात पे आएंगे। नेचुरल या फिजिकल फैक्टर्स वो तमाम जरूरी चीजें जिनके बगैर किसी इलाके में इंडस्ट्री का लगाना मुमकिन नहीं होगा। वो तमाम चीजें जो अगर अवेलेबल हैं तो आप इंडस्ट्री वहां पे लगाएंगे, वरना इंडस्ट्री वहां पे अगर लगाएंगे कोई खास इंडस्ट्री तो वो शायद प्रॉफिटेबल ना हो। ये फिजिकल और नेचुरल फैक्टर्स हैं, इसमें ज़मीन है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, अर्थक्वेक बेल्ट है या नहीं है, इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो इसका हिस्सा है। लेकिन आज जब हम बात करते हैं तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने आकर बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स को कंट्रोल कर लिया, तो आज हमारे लिए बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स जो हैं वो सेकेंडरी बन गए, और उनके मुकाबले में जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसने उस ज़मीन को इस काबिल बना दिया कि वहाँ पर काम कर सकें। जैसा कि छोटी सी मिसाल है, एक ज़माने तक सहरा जो थे, डेजर्ट जो थे, वो एग्रीकल्चर लैंड के लिए बिल्कुल फारिग थे, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो सकती है। आज सहराए अरब, सऊदी अरब के बहुत सारे इलाके, ताइफ और दीगर इलाके जो हैं वो लहराते बागात बन चुके हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड बन चुकी है। खुद पाकिस्तान में जो हमारा थल का एरिया था, बहुत बड़ा एरिया जो है जो डेजर्ट था, अब वहाँ पे डेजर्ट नहीं है, अब वहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है। ये सब का सब टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन हुआ। इसी तरह से सोशल फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक इलाका एक एक्टिविटी के लिए मौजूद है, लेकिन वहाँ का मजहब,
वहाँ की सोसाइटी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वहाँ पर वो एक्टिविटी की जाए, तो वो एक्टिविटी उस इलाके में नहीं की जाती। जैसे पाकिस्तान में मैं आपको मिसाल दूँ, चमन का जो इलाका है हमारा, वो अंगूर की पैदावार के लिए बहुत मशहूर इलाका है। चमन का इलाका अंगूर का एक बहुत बड़ा पैदावारी इलाका है, यहाँ तक कि वहाँ से बहुत बड़ी मिकदार में जो अंगूर है वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं किया जाता और उसी इलाके में पड़े पड़े ख़राब हो जाता है। अंगूर का जो सेकंड ऑप्शन है वो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है कि वहाँ पर आप वाइन फैक्ट्रीज लगा दें, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ हमारा कल्चर हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वहाँ पर वाइन फैक्ट्री लगाई जाए, तो वहाँ पर वाइन फैक्ट्रीज जो है वो मुमकिन नहीं है और वो सारा अंगूर वहाँ पर ज़ाया हो जाता है। इसी तरह से बहुत बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में पिक फार्मिंग होती है। पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान में भी पंजाब के बहुत बड़े इलाके में पिक फार्मिंग की जाती थी, और आज जबकि इसके लिए बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है तो बड़ा अच्छा मौका है कि हम पिक फार्मिंग करें और बहुत बड़ा हम फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा कल्चर और हमारा रिलीजन इस बात की परमिशन नहीं देता कि पिक फार्मिंग की जाए, लिहाजा बावजूद प्रॉफिटेबल होने के हम अपनी सोशल वैल्यूज़ को सामने रखकर पिक फार्मिंग नहीं करते हैं। इसी तरह से और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं कि जहाँ पर अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उस सोशल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उस एक्टिविटी को उस इलाके में अडॉप्ट नहीं किया जाता। इसी तरह से इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सब कुछ ठीक है लेकिन गवर्नमेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे उस सिस्टम को मैच नहीं करती, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि काम हो, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती या फंड्स का इशू होता है, तो बावजूद सारी चीज़ें होने के हमारे वो एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती। जैसे कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ की बहुत बुरी हालत है, उसकी वजह यह कि गवर्नमेंट की फ्यूल पॉलिसी, गवर्नमेंट की एनर्जी एंड पावर पॉलिसी जो है वो इस तरह की नहीं रही कि वो अट्रैक्ट कर सके इंडस्ट्री को और लोग इंडस्ट्री की तरफ आएँ, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता गुजरते वक्त में पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रही है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर प्लान करते हैं कि किसी इलाके में इंडस्ट्री लगाना फ़ायदेमंद है या फ़ायदेमंद नहीं है। अगले सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये किस तरह से मिलकर या कब कौन सा फैक्टर ज़्यादा अहम है किसी इलाके में इंडस्ट्री लगाने के लिए। बहुत शुक्रिया।